जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्त्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली कुछ क्लासेस से मैं आपको बता रहा हूं कि विभिन्न ग्रहों की दशा में विभिन्न ग्रहों की अंतरदशा कैसी जाती है, और लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें हमने बताया था कि राहु की महादशा हो और उसमें केतु की अंतरदशा हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। जो संशय मनुष्य के मन में रहता है कि किस तरह के फल प्राप्त होंगे, तो वो सब चीजें ऋषि पारशन ने स्पष्ट रूप से अपने शास्त्र में कहा है, जिसको कि मैं आपको बता रहा हूं। तो राहु में केतु का हमारा डिस्कशन हो चुका है, आज हम देखेंगे कि राहु की महादशा हो और शुक्र की अंतरदशा हो तो कैसे फल प्राप्त होंगे। उसके लिए भी स्पष्ट रूप से ऋषि ने कहा है, राहोर अंतर्गते शुक्रे लग्नात केंद्र त्रिकोण गे। राहोर अंतर्गते शुक्रे मीन्स कि राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा हो, लग्नात केंद्र त्रिकोण गे, और शुक्र कहाँ हो, लग्न से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और लाभे लाभ भाव में हो, वह बल संयुक्ते वह बल के साथ हो, बलशाली हो, योग प्राबल्य माधिशेत। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, योग की प्राप्ति होती। विप्रमूला धन प्राप्त और गौ महिष्यादि लाभ करते, धन की प्राप्ति होती है, गौ की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त होता है। पुत्रो सादी संतोषो गृह कल्याण संभव, पुत्र प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है, घर का संतोष प्राप्त होता है, घर में घर का निर्माण होता है, कल्याण प्राप्त होता है चारों तरफ। सम्मानम राज सम्मानम राज्य लाभो मह सुखम, सम्मान और राज सम्मान होता है, राज्य लाभ होता है और सुख की प्राप्ति होती है। तो शुक्र की अंतरदशा अगर है और शुक्र लगन से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हुआ है, राहु और बल से युक्त है, राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है और शुक्र केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हुआ है और बल से युक्त है, तो ऐसे में क्या होता है, तो ब्राह्मणों द्वारा धन लाभ, गौ पशुओं द्वारा लाभ, संतान का जन्म, संतोष, घर में कल्याण, सम्मान, राज सम्मान, राज्य लाभ, आपको मतलब जो भी है गवर्नमेंट से प्रमोशन वगैरह अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस करते हैं मिलेगा आपको, पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। तो राहु में शुक्र की अंतरदशा बहुत अच्छी रहती है, शुक्र यदि केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में स्थित हो और बलशाली हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है, सोचे व स्वरक्षे वापी तुंगा शेष वक्षक व्यापा नूतन ग्रह निर्माणम नित्य मिष्ठान भोजनम। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि शुक्र उच्च राशि में हो, स्वच्छ यानी अपनी उच्च राशि में हो, स्वरक्ष के यानी अपनी राशि में हो, शुक्र अपनी उच्च राशि में हो, अपनी स्व राशि में हो, वापी तुंगांशे यानी स्व नवांश में भी स्थित हो। तो शुक्र यदि स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो और स्व नवांश में स्थित हो तो क्या होगा, तो नवीन ग्रह निर्माण, नूतन ग्रह निर्माणम नित्य मिष्ठान भोजनम, नवीन ग्रह का निर्माण होगा, नया मकान बनेगा और नित्य मिष्ठान भोजनम, नित्य मिष्ठान भोजन मिलेगा, यानी आपको भोजन आदि का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा। कलत्र पुत्र विभवम मित्र संगम सुभोजनम, ये क्या बोलते हैं, पत्नी संतान से सुख प्राप्त होगा, मित्रों से सुख प्राप्त होगा, अन्नदानम प्रिय नित्य दान धर्मादि संग्रह है, और ऐसे में आपको दान तथा धार्मिक कृत्यों का संग्रह होगा। राज कृपा से महाराज प्रसादेन वाहनम्बर भूषणम, महाराज की कृपा से, राजा की कृपा से आपको वाहन और भूषण की प्राप्ति होगी, आभूषण की प्राप्ति होगी। मतलब कहने का यह है कि गवर्नमेंट की से आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको वाहन की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय का फलाधिकम, व्यवसाय में आपके इंक्रीज आएगा, व्यवसाय में आपके बढ़ोतरी होगी। विवाहो मौजी बंधनम, विवाह हो सकता है, उपनयन आदि मंगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि शुक्र यदि स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो या स्व नवांश में स्थित हो तो नूतन ग्रह निर्माणम, नया ग्रह का निर्माण होता है, नित्य मिष्ठान भोजनम, सदैव मिष्ठान भोजन मिलता है, कलत पुत्र विभव मित्र संगम, मित्रों का संग मिलता है, संतान का संग मिलता है, सुभोजनम अच्छा भोजन प्राप्त होता है, अन्नदान किया जाता है, नित्य दान धर्म आदि करने में आदमी उत्साहित रहता है, और ऐसे में भगवान की कृपा से, महाराज की कृपा से या गवर्नमेंट की कृपा से उसको वाहन और आम्बर जितने भी चीजों की आभूषण है उनकी प्राप्ति होती है, व्यवसाय में लाभ होता है और विवाह होता है और मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। तो ये था शुक्र की महादशा में, राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा का फल, यदि शुक्र अपनी राशि में, स्व राशि में, उच्च राशि में या स्व नवांश में बैठा हो। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, भी देखने वाली बात है, किस घर में बैठा हुआ है, वो स्व राशि में भी है, स्व नवांश में भी है
या उच्च राशि में है लेकिन बैठा छठे आठवें बारहवें घर में है तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर वो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में ही हो और इस तरीके से बैठा हो तो मतलब इसे कहना चाहिए कि ये एडिशनल आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में शुक्र की उपस्थिति को अच्छा कहा गया है। तो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो और साथ में उच्च राशि में हो या स्वय राशि में हो या स्वय नवांश में हो तब तो बहुत ही अच्छा हो जाता है उसके। लेकिन इसके विपरीत यदि छठे आठवें बारहवें भाव में भी है और स्वय राशि या उच्च राशि या अपने स्वय नवांश में है तब भी इतना बुरा नहीं होगा जितना वैसे होगा। तो आप ये समझ गए होंगे शुक्र का। फिर कहते हैं षष्ठा अष्टम्य व्यय शुक्रे नीचे शत्रु ग्रहे स्थिते। षष्ठा अष्टम्य व्यय शुक्रे मतलब षष्ठ बोलते हैं छठे भाव को, अष्टम बोलते हैं आठवें भाव को, व्यय बोलते हैं बारहवें भाव को। छठे आठवें बारहवें भाव में शुक्र हो, देखिए वही बात आ गई यहाँ जो मैंने पहले बताया था आपको, छठे आठवें बारहवें भाव में शुक्र हो नीचे शत्रु ग्रह स्थित, नीच राशि में हो और शत्रु राशि में स्थित हो तो बहुत ही विपरीत परिणाम हो जाएंगे। आपको ये बताया था कि छठे आठवें बारहवें भाव में शुक्र हो अगर उच्च राशि में हो, स्वय राशि में हो या स्वय नवांश में हो तब भी वो इतना बुरा रिजल्ट नहीं करता, तब भी वो रिजल्ट ठीक करता है। लेकिन अगर उसके साथ वो अपना लग्न केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो तो उसके वारे न्यारे रहते हैं इंसान के। पर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि छठे आठवें बारहवें भाव में अगर शुक्र बैठा है और नीच राशि में बैठा हुआ है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है तब तो विपरीत परिणाम हो जाते हैं। तब तो क्या होता है, मंदार फणी संयुक्त तद भुक्तो रोगामादिशेत, मतलब रोगों की प्राप्ति होती है, अंतर दशा में रोग होता है, अकस्मात कलह होती है, अकस्मात कलहम चैवम पितृ पुत्र वियोग कृतम, पिता और पुत्र का वियोग होता है, स्वय बंधु जन हानिश्च अपने बंधुओं की हानि होती है, सर्वत्र जन पीड़नम सब जगह से पीड़ा प्राप्त होती है, दायाद कलहश्च वै स्वप्रभो जितने भी आपके दामाद हैं घर में जो बड़े हैं उनके साथ आपकी कलह प्राप्त हो जाती है, मृत्यु करते हैं कलह पुत्र तो पीड़ा तो सूर सोलह समय और अपनी मृत्यु का भय रहता है, पति संतानु कष्ट होगा। ये कहा गया है कि शुक्र यदि त्रिक भाव में हो, छठे आठवें बारहवें भाव में हो, नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो तो, या शनि मंगल राहु से युक्त हो, पाप ग्रह से भी संयुक्त हो जाए तो फिर तो और उसका कहते हैं करेला और नीम चढ़ा हो गया, तो उसकी अंतरदशा में रोग अकस्मात कलह पिता या पुत्र का वियोग अपने बंधुओं का कष्ट, सामान्य सभी लोगों से कष्ट आपका होता है, अपने नियोक्ता से आपका जो आपके एम्प्लॉयर है उससे आपका झगड़ा होता है, अपनी मृत्यु का भय आपको लगा रहता है, आपको पति पति संतान से कष्ट प्राप्त होता है। उसके बाद कहते हैं दायशात केंद्र राशि स्थे त्रिकोणे व समन्विते लाभे व कम राशि स्थे क्षेत्रपाल महत सुखम सुगंधे वस्त्र शे आदि ज्ञान वाद्य सुखम भवे छत्र चामर भूषण भूष प्राप्ति प्रिय वस्तु समन्विता। ये क्या बोलते हैं, वो कहता है कि शुक्र यदि महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में हो या दशम भाव में स्थित हो, दायशात केंद्र राशि स्थे यानी महादशा स्वामी से केंद्र भाव में हो, त्रिकोणे त्रिकोण भाव में हो, लाभे लाभ भाव में हो व कर्म राशि स्थे या दशम भाव में स्थित हो महादशा स्वामी से। यहाँ पर लग्न से नहीं है, पीछे जो पढ़ा था हमने वो लग्न से पढ़ा था, यहाँ पर लग्न से नहीं है, यहाँ पर कहा गया है कि शुक्र यदि महादशा स्वामी से जिसकी अंतरदशा है शुक्र की, राहु की महादशा है, वहां से अगर वो केंद्र त्रिकोण एकादश और लाभ भाव में स्थित हो या किसी शुभ राशि में हो तो सुगंध वस्त्र शैया आदि सुगंधित वस्त्रों की प्राप्ति होती है, अच्छी शैया की प्राप्ति होती है, गाने वाद सुखम भवे यानी आपको जो भी लाभ हैं सांसारिक सुख हैं वो उनकी प्राप्ति होती है, गान और वाद्य सुखम प्राप्त होता है, छत्र चामर भूषाप्ति, छत्र चामर का मतलब हुआ कि धन की प्राप्ति होती है, प्रिय वस्तु समन्वित है आपके अपने प्रिय वस्तुओं का लाभ होता है। तो शुक्र यदि महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण एकादश अथवा दशम भाव में स्थित हो और किसी शुभ राशि में हो तो आपको परम सुख की प्राप्ति होती है, वस्त्रों की प्राप्ति होती है, अच्छे भोजन की प्राप्ति होती है, गायन आप अच्छा करते हैं आपको आभूषण की प्राप्ति होती है, प्रिय वस्तुओं का लाभ होता है। इसके विपरीत उन्होंने कहा है दायशाद रिपुन दस्ते वे व पाप संयुते विप्रा नप चराहादि मूत्र प्रच्छान मैद भयम। ये क्या मतलब है इसका, इसका कहता है दायशाद यदि शुक्र महादशा स्वामी से रिपुरंध्रस्ते त्रिक भाव में हो, कौन से छठे आठवें बारहवें भाव में हो, यदि शुक्र महादशा स्वामी से छठे आठवें बारहवें भाव में हो व पाप संयुते वह पाप ग्रह के साथ हो तो विप्राहान विप्रा ही नृप चराहादि, इसमें कहते हैं ऐसे हो तो ब्राह्मण सर्प
और राजा से भय हो जाता है। मूत्र कच्छा न मैद भयम, मूत्र रोग पैदा हो जाते हैं। प्रमेहा दौधरी रोग है, प्रमेह रोग पैदा हो जाता है। रक्त विकार संबंध प्राप्त हो जाता है, जिसको शुगर बोलते हैं हम लोग, वो चीज स्टार्ट हो जाती है। कारागृह प्रवेशश्च, कारागृह में प्रवेश हो सकता है। राज दंडा दनश्य, राज दंड का आपको प्राप्ति हो सकती है। ये देखिए कितना मतलब अच्छा बुरा है, अगर शुक्र जो है जिसकी अंतरदशा है वो महादशा स्वामी से त्रिक भाव में हो, छठे आठवें बारहवें भाव में हो और पाप ग्रह युक्त हो, तो ब्राह्मण सर्प राजा चोर आदि से भय होता है, मूत्र रोग की होता है, प्रमेह रोग हो जाता है, इसको शुगर बोलते हैं, और कुसंतान संतान अच्छी संतान की प्राप्ति नहीं होती, सर में व्यथा रहती है। कारागृह प्रवेशश्च, कारागृह में आपका प्रवेश हो सकता है। राजदंडादनक्ष, आपको राजदंड मिल सकता है। फिर कहते हैं द्वितीय दुन्नाते वा दार पुत्रादि नाशनम। द्वितीय, द्वितीय मीन्स सेकंड भाव, दुन्नाते मीन्स के सप्तम भाव, जो हमारे दोनों मार्ग भाव हैं। द्वितीय दुन्नाते, यदि सेकंड भाव का स्वामी हो शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी हो शुक्र, राहु की महादशा हो और शुक्र हमारा जिसकी अंतरदशा है वो सेकंड भाव का स्वामी है या सप्तम भाव का स्वामी है, तो क्या होता है, दार पुत्रादि नाशनम, पत्नी और संतान का नाश होता है, आत्मपीड़ा, अपने आप को पीड़ा होती है, भयम रहता है, भय रहता है, चय भयप मृत्यु भयं भवेत, अपनी मृत्यु का भय रहता है। और ऐसे में दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात, कि दुर्गा माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी का जप करेंगे तो सौख्य माँत, आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको आपका हित होगा। तो ये भी ध्यान रखनी जरूरी है कि शुक्र यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो पति संतान उपस्थ एवं सन को अपमृत्यु का भय रहता है, तो ऐसे में अनिष्ट निवारण के लिए देवी दुर्गा या देवी लक्ष्मी का जप हितकारी होता है। तो ये था राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा का फल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हों देवी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।